ओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि आपके घर में आपकी कुल देवी या कुल देवता का वास है या नहीं, क्या वह आपसे प्रसन्न है या नहीं, आपके घर में वह प्रवेश कर चुके हैं या नहीं, और अगर वह प्रवेश नहीं कर चुके तो आपने कौन सा उपाय करना है जिससे कि आपका कुल देवता और आपकी कुल देवी प्रसन्न हो सके, और अगर वह प्रवेश कर चुके हैं तो आपने उनको प्रसन्न बनाए रखने के लिए किस प्रकार से सावधानियां बरतनी है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और एक बार जिस व्यक्ति को पता है कि उनकी कुल देवी कौन है कमेंट में अवश्य लिखकर बताएं कि उनकी कुल देवी कौन सी है, और जिन व्यक्तियों को नहीं पता कि उनकी कुल देवी कौन है वह भी एक बार कमेंट में हमें अवश्य बताएं ताकि हम उनके लिए भी वीडियो बनाने का प्रयास कर सकें कि आपकी कुल देवी कौन सी है। क्योंकि मित्रों, हमारे पास जितने भी संदेश आते हैं, मैसेज आते हैं या जो भी रिक्वेस्ट आती है कुल देवी को लेकर, उसमें से 90% लोग ऐसे हैं जिनको ये ज्ञात नहीं है कि उनकी कुल देवी है कौन और उनके कुल देवता है कौन या उनके साथ है भी या नहीं। 90% लोग आज भी ऐसे हैं जिनको अपने कुल देवी के बारे में कुछ भी पता नहीं। वह क्यों नहीं पता? क्योंकि उनको अपने बुजुर्गों को नहीं देखा उन्होंने अपने कि वह किसकी पूजा कर रहे हैं, वह कहां से पूजा शुरू करते हैं, वह किसका नाम लेकर पूजा शुरू करते हैं। और बहुत से लोगों को जिनको पता है, जो लोगों को पता है कि हमारी कुल देवी वो है या हमारे कुल देवता वो है, वह आज भी उनकी पूजा निरंतर करते आ रहे हैं। घर में कुछ भी शुभ कार्य होता है तो उनका प्रसाद अवश्य निकाला जाता है, चाहे वह कैसा भी हो, चाहे साधारण प्रसाद हो, चाहे मांस मदिरा हो, जिस प्रकार की उनकी कुल देवी या कुल देवता है उनके लिए वह प्रसाद उनका अवश्य निकलते हैं आज की डेट में भी। तो मित्रों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि कुल देवी हमारे घर से पलायन क्यों करती है, क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी ले लीजिए, वह इतनी सेवा उनकी नहीं कर पाती, वह इतना ध्यान नहीं दे पाती, जिसकी वजह से कुल देवी घर से पलायन कर जाती है यानी घर से चली जाती है। उनके पीछे की वजह क्या रहती है, सबसे पहले यह जान लेते हैं। मित्रों, कुछ वजह जो कॉमन है, जो कि साधारण है, हर किसी के साथ होती है, उनके से बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अपनी कुल देवी को याद ना करना। कुछ भी वजह रहती है, कुछ भी तकलीफ होती है, घर में कुछ भी कार्य होता है, अपनी कुल देवी को बिल्कुल भी याद ना करना। दूसरी अगर वजह की मैं बात करूं तो अगर उनको पता होता है कि हमारे बुजुर्ग वहां पर जाते थे, उस मंदिर में जाते थे, वहां पर हमारा पुराना स्थान है, वहां पर हमारी कुल देवी है या कुल देवता है, यह पता होने के बावजूद भी साल में 6 महीने में 3 महीने में अपनी कुल देवी के स्थान पर ना जाना, उनकी पूजा अर्चना ना करना, यह वजह होती है घर में से कुल देवी का पलायन करने की। तीसरी अगर मैं वजह की बात करूं तो उनको सम्मान ना देना। सम्मान क्या होता है मित्रों? अगर हमारे घर में कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है, कोई बच्चा हुआ है, तो उनका सम्मान देने के लिए उनको कपड़े दिए जाते हैं, उनको मिठाई दी जाती है, उनको भोग दिया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है, यह कुल देवी का सम्मान होता है कि आपकी कृपा से यह शिष्य हमें प्राप्त हुआ है या आपकी कृपा से यह शुभ कार्य हमारे घर पर हुआ है और आपको यह भोग प्रसाद हमारी तरफ से भेंट है, यह एक सम्मान होता है। चौथी वजह होती है कि उनका भोग प्रसाद ना देना। अगर आपको पता है कि उनको भोग प्रसाद दिया जाता है और वह भोग प्रसाद आप नहीं देते, भोग प्रसाद क्या होता है, हर किसी कुल देवी और कुल देवता का अलग अलग भोग प्रसाद होता है, वह एक दिन निर्धारित करके रखते हैं कि मंगलवार के मंगलवार मैंने यह भोग देना है, बुधवार के बुधवार मैंने यह भोग देना है, शनिवार के शनिवार देना है, रविवार के रविवार देना है, वह एक दिन निर्धारित करके रखते हैं और निर्धारित समय पर वह भोग प्रसाद अवश्य देते हैं। किसी कारणवश अगर रह जाता है तो माफी भी अवश्य मांगते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने देना ही देना है, नहीं देंगे तो आपके साथ कुछ हो जाएगा, वह भी ईश्वर है, वह भी सब समझते हैं, अगर आप किसी मजबूरी में हैं, नहीं दे सकते हैं तो उनसे क्षमा याचना अवश्य कर सकते हैं। यह मित्रों कुछ वजह होती है आपके घर से आपकी कुल देवी या कुल देवता का पलायन करना। अब अगर मैं कुछ आपको उदाहरण दूं
कि आप किस प्रकार से जान सकते हैं कि आपकी कुल देवी, आपके कुल देवता आपसे प्रसन्न है, वह आपके घर पर स्थान कर चुके हैं। उसकी यह वजह होती है कि जब से कुल देवी घर पे स्थान करती है, जब से कुल देवी घर पे अपने वास करती है, तब से लेकर आपके कार्य में इतनी बरकत आने लगती है, आपकी जो भी घर में ग्रह क्लेश होते थे वह एकता में बदल जाते हैं। घर के जितने भी सदस्य हैं वह एकता प्रेम प्यार से रहने लगते हैं। आपके जो बरकत है वह कार्य में आने लगती है, पैसे में आने लगती है। पैसा किसी गलत काम में नहीं लगता, गलत काम यानी किसी बीमारियों पे पैसा वेस्ट नहीं होता, वह पैसा आपके जोड़ने में लगता है, आपके आगे तरक्की के मार्ग बनाने में लगता है, आपको और बड़ा करने में लगता है, और घर का मान सम्मान दुनिया के नजर में इतना बढ़ जाता है कि जो पहले था वह उससे बिल्कुल उलट हो जाता है। यह एक वजह देखने को मिलती है कि आपकी कुल देवी आपके घर में वास कर चुकी है। अब कुछ लोग यह चाहते हैं कि वह कुछ उपाय अवश्य करें जिससे कि उनकी कुल देवी उनसे प्रसन्न हो सके, अगर नाराज है तो वह भी मान सके, अगर उनको नहीं पता कि उनकी कुल देवी या कुल देवता कौन है तो वह भी उनकी ओर खींचा चला आ सके। तो वह कुछ उपाय हमारे द्वारा जो बताए जाने वाले हैं वह उपाय अवश्य कर सकते हैं। अगर आपको ज्ञात ही नहीं है आपकी कुल देवी कौन है, आपके कुल देवता कौन है, और आप उनकी सेवा करना चाहते हैं, आप उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आप उनको अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो मैं ऐसे 5 उपाय आपको बताने जा रहा हूं। इन 5 में से कोई भी एक उपाय कर लो मित्रों, दिल से कर लो, आपकी कुल देवी आपका कुल देवता अवश्य आपके पास आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, सबसे पहला उपाय मैं आपको बता दूं, रोजाना सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर घर के नजदीक जो भी मंदिर हो वहां पर आपने शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग से ही थोड़ा सा जल लेकर आपने वापस अपने घर पर आना है, और घर में घुसने से पहले, ध्यान रखें, घर में घुसने से पहले घर के दोनों मेन गेट के दोनों कोने पे, जो पिलर कह लीजिए या कोने कह लीजिए, जो मेन गेट होता है जिसपे मेन गेट लगा हुआ होता है, वह दोनों साइड आपने थोड़ा थोड़ा जल बाहर से ही छिड़कना है। यह बात ध्यान रखिए, बाहर से ही डालना है। जिस प्रकार से पीपल पर आप जल डालते हैं, इस प्रकार से आपने मेन गेट के दोनों साइड में जल डालना है। उसके बाद आपने घर में प्रवेश करना है, और जल डालते समय आपने मन ही मन यह विचार करना है कि यह जल आप अपने कुल देवी या कुल देवता के ऊपर डाल रहे हैं, उनको प्रसन्न कर रहे हैं, उनका स्नान आदि कर रहे हैं। इस भावना से आपने यह जल वहां पर डालना है, उसके बाद ही घर में आपने प्रवेश करना है। निरंतर आप यह कार्य कर लीजिए, 1.25 महीना यह कार्य कर लीजिए, आप स्वयं देखेंगे कि कुल देवी कुल देवता किस प्रकार से प्रसन्न होकर आपके समीप आने लगे हैं, अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनाने लगे हैं। दूसरे उपाय की अगर मैं बात करूं तो आप हर पूर्णिमा की रात्रि, ध्यान रखें, हर पूर्णिमा की रात्रि एक लोटे में थोड़ा सा जल भरे, उसमें थोड़ी सी गुड़ या फिर शक्कर मिला दें। यह लोटे में थोड़ा सा जल भरने के बाद गुड़ या थोड़ी सी शक्कर मिलाकर आपने अपने कुल देवता से और कुल देवी से यह प्रार्थना करनी है कि आपके घर पर वास करें, आपके समीप आए, आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। यह जल का लोटा आपने अपने घर की छत पर रख देना है, और अगले दिन यानी पूर्णिमा की रात्रि यह आपने कार्य करना है। अगले दिन वह लोटा उठाकर किसी भी घर में कोई भी पौधा वृक्ष कुछ भी लगा हो जो पूजनीय हो, जैसे तुलसी माता का होता है, इस प्रकार का कोई पौधा लगा हो उसमें आपने यह जल डाल देना है। मित्रों, यह छोटा सा कार्य है, इस कार्य से भी आपके कुल देवी और कुल देवता अवश्य प्रसन्न होकर आपके समीप आते हैं। तीसरी अगर मैं बात करूं तो वह है भोग। कोई भी दिन निर्धारित कर लीजिए, अगर आपको हल्का सा भी संकेत है कि आपकी कुल देवी है या कुल देवता है, तो आप उनके भोग प्रसाद के लिए कोई भी लड्डू बाजार से ले आई है, और वह लड्डू आप उनको भेंट अवश्य करें। थोड़ी सी अंग्यारी आप जला लीजिए, अंग्यारे में आप वह लड्डू का भोग अवश्य उनको लगाएं। इस प्रकार के भोग लगाने से भी आपके कुल देवी और कुल देवता अवश्य प्रसन्न होते हैं। और जिन व्यक्तियों को, चौथे उपाय की अगर मैं बात करूँ, वह उनके लिए है, जिन व्यक्तियों को पता है कि उनकी कुल देवी कौन है या कुल देवता कौन है, तो उनके स्थान पर जाकर उनको कपड़े आदि भेंट करके, उनको भोग प्रसाद भेंट करके, और जो भी वहाँ पर प्रसाद चढ़ता हो वह प्रसाद अवश्य चढ़ाएं, जो भी पूजा पाठ सेवा इत्यादि वहाँ पर होती हो वह अवश्य करके आए,
और नियमित ही है कार्य बना ले कि हर महीने मैंने जाना है या हर दूसरे महीने हर तीसरे महीने मैंने जाना है, यह नियमित बना ले मित्रों। इससे भी आपका एक साल के अंदर अंदर ही कितना बदलाव देखने को आपको मिल जाएगा यह आप स्वयं जानते हैं। आपका दिल खुद कहेगा कि वहां पर अवश्य जाना है। अब पांचवें उपाय की मैं आपको बात कहूं तो यह उनके लिए है जो व्यक्ति जानते हैं कि उनके कुल देवी कुल देवता कौन है परंतु वह उनको प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं, यह उपाय उनके लिए है। तो मित्रों जब भी घर में कोई भी शुभ कार्य हो, चाहे किसी की शादी हो, चाहे कोई बच्चा पैदा हो या कोई भी और शुभ कार्य हो, कोई गाड़ी मकान कुछ भी आप लें, तो अपनी कुल देवी के नाम का भोग यानी उनके नाम का प्रसाद, उनके नाम की खुशी की मिठाई और खुशी के वस्त्र अवश्य निकालकर उनको भेंट करें। यह एक छोटा सा कार्य आपने करना है, आप स्वयं देखेंगे कि आपके इसी कार्य से ही आपके कुल देवी और कुल देवता इतने प्रसन्न होकर आप पे अपनी कृपा दृष्टि कर देंगे कि आपके ऊपर ना ही किसी का जादू टोना कोई काम करेगा और ना ही किसी का कोई तंत्र मंत्र काम करेगा, क्योंकि आपकी कुल देवी और कुल देवता आपसे इतने प्रसन्न होंगे कि 2400 घंटे आपके जगन भगन अपना सुरक्षा का दायरा बनाए रखेंगे। तो मित्रों यह छोटा सा कार्य आपने करना है, यह छोटी सी पहचान मैंने आपको बताई है। इसी प्रकार की कोई अन्य ज्ञान अगर आप हमारे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ताकि हम भी आपके लिए उस प्रकार की वीडियो का बनाने का प्रयास कर सकें। तो हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाजत चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।